हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक मेथड को पाइथन में किस तरह से यूज करते हैं। अब मुझे यहाँ पे सादा मेथड लिखना है। सादा मतलब ना मुझे उसमें इंस्टेंस वेरिएबल चाहिए, ना मुझे उसमें क्लास वेरिएबल चाहिए। तब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, उससे पहले मैं मेरा पाइथन ओपन करती हूँ और वहाँ पर एक पाइथन की न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ। मैं पाइथन पर क्लिक करूँगी, न्यू पर क्लिक करूँगी और पाइथन फाइल पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर Qt39 की एक पाइथन फाइल मेरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे पिछली फाइल का जो कोड है वही कोड कॉपी करती हूँ, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। मान लो आप कुछ प्रिंट करना चाहते हो उससे पहले और उसके बाद, तो आप लोगों को एक मेथड चाहिए जो सिर्फ प्रिंट करती है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं @static method और उस मेथड में मैं एक फंक्शन देती हूँ def print good नाम का फंक्शन देती हूँ और मैं उसमें एक स्ट्रिंग पास करती हूँ स्ट्रिंग, और उसमें मैं प्रिंट करती हूँ प्रिंट This is a good, और यहाँ पे string। तो मैंने इसे क्लास में क्यों डाला है, क्योंकि हम कभी कभी क्या चाहते हैं कि अपने ऑब्जेक्ट पे इसे रन करें, इसलिए हम इसे क्लास में डालेंगे। और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगी, मैं इसके नीचे इसे प्रिंट करती हूँ प्रिंट करन डॉट प्रिंट बूड और उसमें मैं एक स्ट्रिंग पास करती हूँ रोहन नाम की। मैं इसे कमेंट आउट करती हूँ। अब मैं इसे रन करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने मुझे रिटर्न किया है दिस इज अ गुड रोहन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नन प्रिंट हुआ है। यहाँ पे नन क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं किया है, इसके नीचे मैंने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं किया है। अगर मैं इसे रिटर्न करूं, मैं रिटर्न रोहन करती हूं तो, और इसे मैं फिर से रोहन ने, मैं यहाँ पे कुछ नंबर डाल देती 45 और अब मैं इसे रन करूंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 45 प्रिंट होगा। तो जो आप यहाँ पे रिटर्न करेंगे तो वो यहाँ पे प्रिंट होगा, इसलिए यहाँ पे नन प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं किया है। तो ये होती है हमारी सिंपल सी एक स्टैटिक मेथड। कभी कभी आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको इसमें इफिशियंसी चाहिए, आपको स्पीड चाहिए, तो आप यहाँ पे सिर्फ रिक्वायर्ड चीज़ें ले सकते हो, तो आप इसके लिए सिर्फ स्टैटिक मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पाइथन में स्टैटिक मेथड कैसे यूज करते हैं वो समझ में आ गया होगा।